हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज फिर नया दिन और एक नई सुबह और आज फिर नया गांव जिसका नाम है पटोली गांव। लगभग ये गांव तिलवाड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव, और मैक्सिमम इसकी जो दूरी है रोड से जो गांव की दूरी है लगभग 300 मीटर के आसपास है। गांव काफ़ी नीचे है, अभी लगा लो कि ये नीचे नदी जा रही है, देख रहे हो। और गांव का रास्ता कुछ ऐसा है, यहां से जाता है और लगभग 300 मीटर की दूरी पे ये गांव है। ये गांव का मार्केट है, छोटा सा मार्केट, और 4-5 दुकानें इस साइड है, होटल्स, ठीक है। और ये गांव का रास्ता है। चलो फिर एक नए गांव को एक्सप्लोर करते हैं कि ये गांव कैसा है। अभी देख रहे हो ये है गांव, कुछ ऐसा बसा हुआ है। लगभग यहाँ पर आपको 50 परिवार या 60 परिवार दिख जाएंगे आपको, ये अगल बगल ही बसे हुए हैं। अभी फ़िलहाल मैं रास्ते पे खड़ा हूँ और लगभग रोड से गांव की दूरी 200 या 300 मीटर के आसपास है, और अभी मैं गांव में पहुँचा नहीं हूँ। ये जा रहा है रास्ता और ये गाँव नीचे बसा हुआ है। गाँव और खेत आपको यहीं से दिख जाएंगे पूरे खेत, और इसके नीचे साइड नदी है। तो अभी मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव को एक्सप्लोर कर रहा हूं, और लगभग 100 गांव मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 100 गांव को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूं, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लगभग 302 गांव हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो ये 302 गांव हैं वो मैं पूरे कंप्लीट कर करूँ, और अभी तक मैंने 100 गांव कंप्लीट कर चुका हूँ। तो हो गई ये गांव की शुरुआत, और ऐसा कुछ गांव है। ये देख लो, ये छोटे छोटे खेत हैं गांव वालों के, और यहीं पर बसे हुए हैं पूरा गांव। और ये बन रहे हैं कुछ घर नए नए, और ये कुछ घर बने हुए हैं इस गांव के, तो ऐसे कुछ घर हैं यहाँ के। गांव वालों के खेत है वो आपको अगल बगल ही दिख जाएंगे, ये सारे अगल बगल खेत हैं घरों के अगल बगल, और कुछ खेत है नीचे साइड। ये जाता है नदी के लिए रास्ता, नीचे देख रहे हो नदी है। तो यहीं पर तो कुछ ऐसा बसा हुआ है गांव। काफ़ी छोटा गांव है मगर काफ़ी खूबसूरत सा गांव है ये। हेलो हैं, हेलो कर, हेलो कर, हेलो नहीं करेगी। क्या नाम है? अनवी। कहाँ पढ़ती स्कूल? जैना। हैं? जैना। जैना कहाँ है? जैना स्कूल भी जाते हो? कितने पढ़ते हो? हैं? 6th में। हैं? 6th में पढ़ते हो? हैं? 6th में पढ़ती है, बाबा अच्छी बात है। चलो ठीक है, बाय है, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, चलो बाय। हाँ हाँ।
तो मैं आ गया हूँ गांव को घूमकर। और आपको बता दूँ कि इस गांव में अभी फ़िलहाल में कोई था नहीं, सभी लोग अपने खेतों की तरफ गए थे, इसलिए मुझे कोई मिला नहीं। और इसलिए मैं गांव वाले गांव में जो लोग हैं उनसे मैं बात कर नहीं पाया। और काफ़ी खूबसूरत सा गाँव है और काफ़ी छोटा गाँव है मगर काफ़ी प्यारा गाँव है, बिल्कुल शांति है ना, बोलते बिल्कुल शांति भरी हुई भाई गाँव के अंदर, बिल्कुल शांति है भाई, ऐसा लग रहा था कोई रहता नहीं होगा। मगर नीचे गांव में सभी लोग रहते हैं, यहां से लगभग एक ही या दो परिवार होंगे जिनने प्लान किया होगा, नहीं तो यहीं पर इस गांव में लगभग सभी घर में हैं और सब ने अपनी खेती कर रखी है। यहां पर एक भी खेती बंजर नहीं है इस जगह पे भाई, तो काफ़ी प्यारा सा गांव है। और आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले दिन अगले गाँव में। ओके भाई, टेक केयर।